सनम आ जाओ बेटा, 1:30 बज रहा है, सोना भी है। अस्सलाम वालेकुम, सो कल एकदम से ईद हो गई है और मैं लकली अम्मी के आती हूँ, तो मैंने कहा चले यार अम्मी की मदद करते सवैया बनाने में और थोड़ा सीख जाए। वैसे सवैया बनाना था मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि बनाई नहीं, चलिए शुरू करें। चले आप सिखा देंगी? आप सीख लेंगी? चले जी। सो अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चले आपको मैं सिखाती हूँ, अभी चूल्हा ऑन करें, मतलब चूल्हा भी ऑन करना है। क्या अंडर एस्टिमेट किया अम्मा, 4 साल हो गए मेरी शादी को। चले अब आप, ये 2 किलो दूध है। अच्छा कितनी सवैया बना रहे, पूरा पैकेट? देखिए सवैया ये है, इसका हम पूरा पैकेट सवैया का नहीं डालेंगे, इसका हाफ से थोड़ा सा और ले लेंगे बस। हाँ, 6 लोगों के लिए। हाँ, 7-8 लोग आराम से। ठीक है बेटा, अब ये दूध डालो। ये बनाए 2 किलो दूध बना रहे हैं। नहीं नहीं भाई, अपने किचन में बंदे को होता है, आपकी चीजों के साथ मुझे थोड़ी है। अच्छा फौरन फौरन आप सफाई कर लेती है? आराम से तो दूध अम्मी इसमें डाल दिया। वैसे अम्मी ऑनेस्टली आई नो आप सब लोग सवैया बनाते होंगे, बहुत मजे की लेकिन मेरी अपनी सवैया बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब बताइए क्या करें, इस दूध को पकाना है मुझे पता है। अच्छा इन क्या करेंगे, ये हमने गरम पानी में बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा वो खजूर, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल भी देती हूँ। 12 seconds later. आपकी शादी के बाद सबसे पहली चीज बनाई थी मैंने, खीर खाती थी नहीं आती थी फिर, मगर मैंने बना ली थी, अच्छी बना ली थी। किसने कहा था, आपकी सास ने कहा था आपको बनाने का? आपके सास ससुर कैसे थे? अच्छे, बहुत अच्छे, खड़ूस थे बहुत। अच्छा ये दे, तुम देखो ये पिस्ता इसमें डाला है, ये बादाम डाला है। मतलब सबसे पहले तुम छुआरे काटो, शाबाश छुआरे। देखिए मुझे छुआरे नहीं पसंद, सवैया हो रहा है, नहीं खाओगे तुम लोग? जो लोग अपनी उधर देखे ना, हाँ जो लोग अपनी अम्मियों के घर जाते हैं, ऑफकोर्स वो यही चाहते हैं कि वो रिलैक्स करें। जब अम्मी आपके घर आती है ये तो बात है, जब मैं सनम के कोई काम नहीं करते और जब सनम मेरे घर आती है तो मैं ही काम कर रही हूँ। ओके ठीक है, चले वीडियो के 6-7 मिनट गुजर के काट ही रहे हम। अब सीन ये है कि है नहीं हमारे पास वो जो कैन ओपनर होता है, तो अब देसी तरीका क्या है? कैन ओपनर है बेटा, वो रखा हुआ है, वो देखो ये। सो बेसिकली हमारे पास कैन ओपनर नहीं है, तो हम इसको इस तरह खोलेंगे, फिर से बंद करने में कर देते हैं। थैंक यू मास्टर। और नहीं का नहीं, मैं आज तो ऐसे नहीं हूँ, आप ही करते हैं। तो इधर से पकड़ो, जब कोई चीज घूम जाती है तो अपनी बीच में आती है और सब मिल जाता है, यही वाला चक्कर है। आप चलो ठीक है, तो आप इसको डाल दो दूध के अंदर। तो दूध अम्मा आई यू श्योर वो हो गया, इतना पक गया अपने हल्की आंच पे? क्यों रखा है? डाल दो सारे का सारा जाएगा। अब 2 किलो मैंने सारा डालूंगी, मैं चीनी बिल्कुल नहीं डालूंगी, इसके बाद चीनी की जरूरत है। हाँ। काफी की दुकान है। चलो बेटा इसको एक एक बूंद निकालेंगे भाई, आज पाकिस्तानी माए इसमें साया नहीं करते। यही तो खूबसूरती है पाकिस्तानी मदर्स की, वो एक बूंद भी जाया नहीं करते, व्हिच इज ग्रेट एक्चुअली।
आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो देख के अपनी अम्माएं भी याद आ रही होंगी, और ईद का दिन है तो जाएं अपनी अम्मा की मदद करें, सवैया लेके जाएं उनके घर। कंडेंस मिल्क का क्या ना अपना चीज होता है, ऐसे डिबो डिबो की यूज करते हैं, तो फिर जाया तो करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन धोया था कि नहीं? हाँ धोया था, क्यों नहीं धोया था, हर चीज धो के इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन हालात में। अच्छा मैं साथ साथ सवैया कर लूँ, सवैयों को कुछ करना है? खाने के बजाय कोई काम करवा लेती ना तो मुझे आ चुका होता खाना बनवाना। ये डालो, चलो कहाँ डालो, दूध में डालो, ठीक है। अच्छा ज्यादा बादाम पिस्ते भी अच्छे नहीं लगते मुझे, ऑनेस्ट बस इतने काफी है, ठीक है, ये सजाने के लिए सही है। अब बस बिराना नहीं पकाई कर दियो, क्यों इतना टेक्निकल अम्मा, पूरा इस्तेमाल करने आता है। अच्छा मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ, आई नो करोना भी है और उस तरह ईद की जो फील होती है वो नहीं है, एंड देन यू नो लाइक जो सिचुएशन एकदम से हो गई रमजान में, जो हादसा हो गया उसके बाद बहुत सारे लोग के दिल टूटे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईद है अभी क्या बनाएं, लेकिन ईद अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है हम मुसलमानों के लिए, जो हम इबादत करते हैं, जो हम रोजे रखते हैं, उसका अल्लाह ताला हमें यू नो उसका एक तोहफा देता है जो ईद है, तो जब अल्लाह ताला ने हमें ईद दी है तो हम उसको क्यों ना सेलिब्रेट करें, उस तरह धूमधाम से नहीं लेकिन अपने घर में ईद का एहतमाम करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अफकोर्स घर में तो मेहमान आ तो ईदा हम लोग अपने लिए सवैया बना रहे हैं, और यू नो बिकॉज इट इज़ ईद एंड वी शुड थैंक अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक और दिन दिया, मौका दिया कि हम ईद सेलिब्रेट करें। अच्छा अब थोड़ा सा मैं ये देसी घी ले रही हूँ, ठीक है, सही है। By the way, अम्मी आप इनको बता दें कि देसी घी मैं आपको बना बना के देती हूँ, खत्म हो गया तभी जाके आप इस्तेमाल करें। हाँ, ये तो बात है, बस एक टेबल स्पून मैंने डाला देसी घी, ठीक है। और जब मैं ऑनस्ट में पहले तो बस सवैया बना रही हूँ इस तरह। अच्छा चलो सनम अब ये डालो इसमें, थोड़ा सा गर्म हो गया पैन, गर्म हो गया बस हाँ मैं तो हो गया होगा। अच्छा मैं लायक को देख के आ रही हूँ, हाँ हम अपने उसको सुलाने का सीन करें, अम्मा से बोलती हूँ। तो मेरे ख्याल से टोटल 20 मिनट का काम है, अम्मी को ज्यादा ही कटिंग शटिंग वटिंग करा रही है, सिंपल सवैया बना और खत्म करें। सलाम, हाँ 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 हाय सलाम के क्यों भाई जल की एक सेकंड हाँ जाएगी अम्मी जी, जल नहीं जाएगी, क्या हो गया, चलिए क्या तुम्हें ऐसे ही निकलना चल, सही है चलो अब डाल दो। मतलब माँ को तो ट्रस्ट नहीं है ना अपनी बेटियों पे, ये तभी आज तक कोई बच्चा सही से सीख नहीं पाया, बिकॉज अम्मी लोग जल जाएगी ये हो जाएगा तुम्हें नहीं आता खुद ही बना लिया, फिर हम वैसी बोलिए आप जल्दी बनाए जल्दी बनाए। बेटा आ जाओ, सनम सनम हाँ चली गई ना, देखो नहीं मैं इधर ही हूँ, तो कह रही आप बना लें इसको ताकि जल्दी हो, गिराना नहीं देखा बेटी की शादी के बाद आसान हो जाता है कि बेटी चली जाती है रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बेटी की शादी के बाद और ज्यादा और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जैसे कि अब जैसे कि आज मेरी एक बेटी ने कहा कि मेरे ससुराल में आप रीवड़े बना दें या सवैया बना दें, उसके बाद दूसरी ने सुना छोटी वाली सोनिया उसने कहा बेटी आप रीवड़े बना दें, तो अपने लिए उसके ससुराल के लिए ये माँ की खूबसूरती यही होती है, बंदा बोल के बाहर आ जाएगा, सो हल्की आंसू देती थी, मैं ये कह रही थी कि माँ की खूबसूरती ही यही होती है कि यू नो एक बेटी इजली अपनी अम्मा से बहुत सारी बातें कर सकती है और कह सकती है, आई एम श्योर वहाँ जितने भी लोग हमें कैमरा के उस तरफ अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं वो भी इस बात से रिलेट करते होंगे, आप भी अपनी अम्मा से फरमाइश, तो आप लोग
कमेंट्स में नीचे शेयर करें आपकी वो एक रेसिपी जो आप अपनी अम्मा से डेफिनेटली फरमाइश करते हैं कि अम्मा प्लीज आप ये बना दे, हर एक महीने में दो महीने में ये फरमाइश डेफिनेटली होती है कि आपकी अम्मा आपके लिए बना के भेजती है, या फिर वो एक चीज जो आप डाल लेके जाते हैं कहते हैं मेरी अम्मी की तरफ से आया, सो वो एक चीज आप मुझे जरूर बताइएगा, साथ साथ रेसिपी भी शेयर कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज हाँ आसान होनी चाहिए चार चीज। अच्छा ये तो बड़ा जरूरी होता है ना चांदी का, वैसे बुरा डाल दूंगी तो फिर उतना आप ही डाल रहे हैं जैसे आप चाहिए। और अगली दफा कुछ हेल्प करेंगी मेरी इंशाल्लाह, अभी सोने जा रही हूँ दो बजे। ओके जी खुदा हाफिज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारा गड़बड़ करके चली गई